प्रेज गॉड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, आपका बीच में फिर से यीशु मसीह का नाम से हम आने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं। हम वजन से सीख रहा है, याद रखना, ये वजन से सीखने का मतलब हमें सिद्ध बनना है। अपने आप को बोलो, मुझे मसीह में सिद्ध बनना है, मुझे मसीह में सिद्ध बनना है। अपरिपक्वता दूर होना, हर एक बचपना दूर हो जाए। आई वॉन्ट टू बिकम ए मैच्योर्ड पर्सन, एक परिपक्व व्यक्ति बनना है मसीह में। प्रभु उसके लिए आपको सहायता करे। हम सीख रहे थे आदि में वचन। यूहन्ना जब बात करते हैं, सो वो यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं, यूहन्ना बोलते हैं, मैंने उसको सुना, देखा और स्पर्श भी किया था। उसका आगे हम देखते हैं, उसका दूसरा पद में, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसी की गवाही देते हैं और तुम्हें उस आनंद जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो ये सुसमाचार यूहन्ना सबको सुनाते हैं और सबको सुनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार में जीवन, ये अनंत जीवन की सुसमाचार, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में अनंत जीवन देने के लिए, हमें मालूम है मृत्यु सब लोगों के लिए एक डरावनी बात है। मृत्यु का मतलब सेपरेशन, इस पृथ्वी से हम अपनी प्रिय लोगों से अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी संसार में एक शारीरिक मृत्यु हमें लोगों से अलग करते हैं। हम एक मरा हुआ व्यक्ति अपने प्रिय लोगों से अलग हो गया, चला गया। लेकिन ये मृत्यु का दूसरे अर्थ में हमेशा बताते हैं परमेश्वर से अलग होने की बात। एदन वाटिका में आदम ने जब पाप किया था, वो परमेश्वर से अलग हो गया। और वो मृत्यु परमेश्वर से अलग होने के बाद वो व्यक्ति अनंत काल तक मृत्यु में, अनंत काल तक परमेश्वर से अलग होने का संभावना है। लेकिन यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पे इसलिए आया, अनंत काल तक का जो मृत्यु का अनुभव लोगों का जीवन से हटाकर यीशु जगत में आया, यीशु पाप का प्रायश्चित किया लोगों की, हम सब के लिए, पूरा मानव के लिए। और उसके बाद टूटा हुआ रिश्ता मसीह यीशु के द्वारा फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, तो लोगों को फिर से अनंत जीवन मिलते हैं। अनंत जीवन का मतलब मसीह यीशु में हमें मिला हुआ अनंत जीवन परमेश्वर के साथ सदैव वास करने के लिए। फिर मृत्यु से हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मृत्यु परमेश्वर से अलग करने वाली चीज था। लेकिन मसीह यीशु आकर हमें अनंत काल की मृत्यु से बचाकर अनंत काल का जीवन दे दिया। आपके खुश होने के लिए बहुत कुछ है। तो वो सुसमाचार यूहन्ना बोलते हम प्रचार करते हैं, वो क्या है? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीवन में आपने ये सुसमाचार सुना, आपने देखा, जीवन में चेंजेस, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। मसीह यीशु आया, जीवन के अंदर हम परिवर्तन आना शुरू हो गया, स्वभाव में, चाल चलन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो बोलते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ये सुसमाचार क्यों? मेरा जीवन में परमेश्वर के साथ मुझे सहभाग्यता मिल गया। यूहन्ना बोलते हैं, हमें परमेश्वर के साथ सहभाग्यता मिल गया, इसलिए तुम्हें भी
हमारे साथ सहभागिता हो और हमारे ये सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हाँ, परम पिता परमेश्वर के साथ सहभाग्यता हो, उसका आशीष में तुम भी योग्य बन जाए उसकी साथ संगति करने के लिए, वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए, परमेश्वर की सारी आशीष में जीवन बिताने के लिए, प्रेम, शांति, आनंद और अनंत जीवन, सब बातों में परमेश्वर के साथ तुम्हें सहभाग्यता मिले। वाई वी आर प्रीचिंग द गॉस्पल? बिकॉज जो परमेश्वर के साथ सहभाग्यता, फेलोशिप, संगति, ओ क्या बात है! आप सोच कर देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ सहभाग्यता, फेलोशिप, इस संसार में एक बड़े ऊंचे पद में बैठने वाला, मे बी एक प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, या उसके साथ मिलकर भोजन करने के लिए एक अवसर मिल जाते तो बहुत बड़ा एक प्रिविलेज समझते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक सहभाग्यता मसीह यीशु में हमें मिलते हैं। यूहन्ना बोलते हैं, हम आपको इसलिए सुसमाचार सुनाते हैं, हमें मिल गया तुम्हें भी मिल जाए, वो योग्यता है। मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, आपको भी ये सहभाग्यता, ये सुसमाचार के साथ मिल गया है, तो आप चुप नहीं रहना, ये सुसमाचार दूसरों को बताना ताकि उसको भी ये सहभाग्यता मिल जाए। और वहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी आनंद पूरा हो जाए। हाँ, प्रभु में वो सहभाग्यता में आ जाते, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा आनंद आता, क्योंकि एक समय टूटा हुआ रिश्ता, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है तो शैतान का साथ संबंध होगा, जीवन में दुख होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगा और अलग अलग प्रकार की कष्टों में जीवन बिताना है, निराशा में, डिप्रेशन में, डर में, मृत्यु में, लेकिन एक बार संगति मिल जाते हैं वो आनंद, हम आनंदित होना चाहते हैं, क्योंकि एक भाई और बच गया, एक बहन और बच गया, हमारी पड़ोसी बच गई, हमारी रिश्तेदार बच गया, आनंदित हो जाते हैं। आपको भी ऐसे आनंद मिल जाए, पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करे। प्यारे पिता, यीशु मसीह का नाम से, मसीह यीशु में हमें मिला हुआ अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। पिता का साथ एक सहभाग्यता, प्रभु यीशु के साथ वो सहभाग्यता हमें मिल गया। एक समय हम अन्य थे, हम अज्ञान थे, हम अंधकार में थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु का लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध किया। आप में परमेश्वर में बने रहने का एक आशीष मिला, योग्यता मिला, फेलोशिप करने का योग्यता मिला। प्रभु हमारी चारों तरफ लाखों करोड़ों आबादी को ये संगति, ये सहभाग्यता नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, उनको भी मिलने के लिए हम ये सुसमाचार सबको सुनाने के लिए सामत दे। हमारी भाई बहनों के ऊपर आपके आशीष बोलते, यीशु का नाम है, आमेन। गॉड ब्लेस यू।